हेलो एवरीवन। तो फिर से एक बार मैं आपके लिए एक न्यू चैप्टर लेके आ गया हूँ, यानी न्यू चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो हो चुका है, क्वेश्चन आंसर लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो पहले तो फटाफट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो यार लाइक और सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो उसके बाद क्योंकि मैं आगे भी और भी चैप्टर अपलोड करते रहूँगा ना 4 to 6, तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि न्यू लेक्चर आया है, फिर आप ढूंढोगे इधर उधर। तो सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने अभी तक वो प्लीज़ कर दो। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिफोर ड्राइंग अ मेडिसिन इन द वर्ल्ड, है ना, सॉरी बिफोर ड्राइंग अ मेडिसिन इन अ सीरीज, वाई द प्लंजेस फ्रंट प्रेस टू द बॉटम ऑफ द बैरल, की सीरीज में दवा भरने से पहले डॉक्टर लोग जब आप सीरीज वाली जो सुई लगाते हो इंजेक्शन उसको अच्छे से पूरा वैसे दबा कर हवा क्यों निकाल लेते हैं। तो आंसर है उसका, बिफोर ड्राइंग मेडिसिन इन टू द सीरीज, ठीक है, द प्लंजर फर्स्ट प्रेस टू द बॉटम ऑफ बैरल टू इंश्योर दैट देयर इज नो एयर और एनी अदर सब्सटेंस। वो लोग पूरा इंश्योर कर लेते हैं पूरा दबा के एकदम बॉटम से कि इसमें एयर और कोई अदर सब्सटेंस तो नहीं है, बिल्कुल खाली तो है। देयर इज द एयर और एनी अदर सब्सटेंस, कुछ भी हो सकता है इन द बैरल, यानी जो वो खाली वो सुई इंजेक्शन है, अदरवाइज द मेडिसिन कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, अगर उसके अंदर कुछ रहा या सपोज एयर भी रही तो वो कभी कभी एयर से भी रिएक्शन कर जाता है और इस वजह से मेडिसिन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती। प्रेजेंस ऑफ एयर इन साइड द बैरल कैन ऑल्सो कॉज डेथ ऑफ पेशेंट। सम टाइम क्या होता है कि अगर उसके अंदर एयर रही और वो एयर अगर आपके मस्कुलर में तो ठीक है, अगर वो इंजेक्शन लग गया, मान लो वो एयर आपके वेंस में पहुंच गई और वेंस में आपके वो डिफरेंट एयर है और आपके बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट एयर, तो दोनों एयर आपस में रिएक्शन कर सकती हैं और पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इसलिए बिफोर द ड्राइंग द मेडिसिन उसको अच्छे से पूरी तरह से प्लंज करके खाली कर लेते हैं। ओके, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक एंड टेल, ठीक है, सोचो फिर बोलो, क्वेश्चन का ऐसा मतलब है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम समथिंग ऑफ एवरीडे यूज इन विच एयर इज फिल्ड अंडर प्रेशर, कुछ ऐसा बताओ जिसके अंदर डेली हवा एक प्रेशर के साथ भरी जाती हो जो आप अपने डेली लाइफ में देखते हो। इन्फ्लेटिंग टायर्स, सबसे पहले टायर की बात हो गई, ब्लोइंग अप अ बलून एंड ब्रीथिंग, जैसे हम बलून को पुगाते हैं उसके अंदर भी हम देखते हवा भरते हैं, फिर हम जो सांस लेते ऐसा खींचते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर भी हवा भराई जाती है और हवा निकाली जाती है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज सीन मिक्सिंग विथ द एयर व्हेन वुड और कोल बर्न, है ना, क्या दिखाई देता है अगर आपको जब एयर में मिक्स होते हुए जब हम लकड़ी और कोल बर्न करते हैं दोनों में से कुछ भी। व्हेन अ वुड एंड कोल बर्न स्मोक इज सीन मिक्सिंग विथ एयर, कि हमें धुआं हवा से मिक्स होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वॉट गेट मिक्स विथ एयर वेन वाटर बॉयल, जब आप वाटर बॉयल करते हैं तो एयर के साथ क्या मिक्स होता है। वाटर वेपर गेट मिक्सड विथ एयर वेन वाटर बॉयल, तो जो वाटर की वेपर बनी हुई होती है, कभी आप देखोगे चाय के लिए या नॉर्मल गर्म करने के लिए मम्मी ने पानी रखा है गैस पे तो उसके अंदर से धुआं निकलता है, तो एक्चुअली वो धुआं नहीं होता, जो आपके पतीले यानी आपके टोप के अंदर से निकल वो वेपर्स होती है और वो हवा में मिक्स होती है। लाइक जिस तरह से समंदर के वेपर्स जाके हवा में मिक्स होते हैं और फिर उसी से बारिश होती है, वो वेपर्स आपके घर के होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर आ गए हम अपने फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट पे। पहला क्वेश्चन है, देयर इज डैश इवन इन एम्प्टी कंटेनर, तो आंसर है उसका एयर, एयर होती है एम्प्टी कंटेनर में। देयर आर एट ग्रेटर हाइट फ्रॉम अर्थ इज थिनर, जो आंसर है आपका थिनर देन एयर नियर टू द अर्थ, जो हवा होती है ना वो क्या होता है जब हाइट पे जाओगे तो थिनर पतली हो जाती है, जैसे उतना फील मतलब नहीं होगी जितना पतली पतली हवा हो जाती है हाइट पे, तो उसका आंसर थिनर। इफ़ ऑल द एयर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट द ऑक्सीजन इन द एयर वुड इक्वल टू 1 पार्ट, कि अगर सारी जो एयर है उनको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो उसमें से एक पार्ट जो होगा वो ऑक्सीजन का होगा जो आपके पूरे होल वर्ल्ड में प्रेजेंट है। द लेयर ऑफ एयर नियर अर्थ बियर मोर देन अपर लेयर, जो हमारे नियर बाय एयर है यानी हमारे एटमॉस्फेयर में ना जो हमारे करीब वाली एयर है वो क्या है ज़्यादा है मोर देन अपर लेयर, ठीक है, वो हमें ज़्यादा दिख रहा है ज़्यादा फील होती है। तो फिर हमारा जहाँ तक हो गया ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए और फटाफट आप कमेंट में बताया करो यार मुझे नेक्स्ट चैप्टर ये चाहिए इस चैप्टर से इस सब्जेक्ट से, आप जिस भी स्टैंडर्ड में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने स्टैंडर्ड का नाम लिखो और जो चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए है ना वो चैप्टर का देखना, मैं उसी दिन उसको मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो
और जिसने भी मतलब अभी तक नहीं किया है और जिन्होंने किया है उसके लिए उनके लिए थैंक्स।